इंडिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे बड़ी और बहुत तेज ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है और इंडिया के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्षेत्र में सेकंड स्थान है। IBEF इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार सिर्फ रियल इस्टेट ही इंडिया के GDP में 6-7% की भूमिका निभाता है और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 2030 तक ये मार्केट साइज $1 ट्रिलियन का हो जाएगा और सिर्फ 2025 तक ही पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंडिया के GDP में करीबन 13% की भागीदारी रखेगी। तो सिविल इंजीनियर्स, यह अब तक का सबसे अच्छा मौका है कि सीनियर इंजीनियर लेवल से प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल तक अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। यदि आप अपने करियर में प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में इंडिया के top 5 कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में हम बात करेंगे जो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ड्रीम जॉब हो सकती है। और एक बात बताऊं तो ये सभी कंपनियां इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हो चुकी हैं और इतना ही नहीं, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ही बढ़िया खिलाड़ियों में से एक है। आप किस कंपनी के लीडर बनना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर लिखना और कौन सी कंपनी के बारे में और जानना चाहते हैं यदि आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अब इंडिया के top 5 कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसमें सबसे पहले लार्सन ट्यूब्रो लिमिटेड जो कि LNT के नाम से फेमस है। नेक्स्ट है सापुरजी पालमजी कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जिसे हम HCC के नाम से जानते हैं। एंड द फोर्थ वन इज BL कश्यप एंड सन्स लिमिटेड जिसका शॉर्ट फॉर्म BLK है और फिफ्थ वन इज GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इनके बारे में जितना बात करें उतना ही कम है लेकिन जानना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LNT के बारे में। LNT इंडिया के टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी में से एक है जो इंटरनेशनल लेवल में करीब 50 से ज्यादा देशों में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि हर एक लेवल के लिए इंजीनियर हायर करता है। आज भी बहुत से लोग LNT को सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के नाम से ही जानते हैं लेकिन ये बिजनेस के लगभग हर एक इंडस्ट्री में अपना पैर जमाए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज पावर डेवलपमेंट लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, मशीनरी, हैवी इंजीनियरिंग, डिफेंस, शिप बिल्डिंग, LNT टेक्नोलॉजी, LNT मेट्रो रेल्स, हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल और मटेरियल हैंडलिंग में भी ये अपना पूरा का पूरा पैर जमाए हुए हैं। LNT के top 5 अंडरगोइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में से है फर्स्ट वन इज 2 RRTS रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम जिसमें सेमी हाई स्पीड रेल कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है जो कि दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ जो कि 82 किलोमीटर को सिर्फ 2 घंटे में ही कनेक्ट करेगी। सेकंड है धाबोल का ब्रेक वाटर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में इंडियन नेवी के लिए इंडियन का फर्स्ट शिप लिफ्ट प्लेटफॉर्म और एक आइलैंड ब्रेक वाटर का निर्माण किया जा रहा है। थर्ड है रेलवे प्रोजेक्ट जो कि उत्तराखंड के हिमालय रीजन में बनाया जा रहा है। एंड द फोर्थ वन इज जहां से मैं हूं IIT भिलाई जो कि करीबन 780 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है और अपने आप को परख कर ही किसी भी जॉब पोस्ट में अप्लाई करें। और आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाओगे तो इस टाइप का टॉपिक आगे आने वाले समय पे आपसे मिस हो जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लो तुरंत ही। जैसे कि आज के हमारे भावी इंजीनियर पहले लड़ाई के मैदान में पहुंचते हैं और फिर कहते हैं अब हमें लड़ाई सिखाओ, लेकिन उनके सीखने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। पहले आपको कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस के लर्निंग मॉड्यूल से ट्रेनिंग लेना है और फिर इस इंडस्ट्री के हर इंटरव्यू नामक युद्ध के लिए आप तैयार हो जाएंगे। इन ट्रेनिंग में आपको बिल्डिंग प्रोजेक्ट का हर एक पार्ट सिखाया जाता है जिसमें फर्स्ट पार्ट लैंड का सर्वे ऑटो लेवल से शुरू करके बिल्डिंग के पूरी आर्किटेक्चरल ड्राइंग 2D और 3D मॉडलिंग के लिए ऑटोकैड, रैबिट आर्किटेक्चरल, गूगल स्केचअप, 3DS मैक्स सिखाया जा रहा है और साथ ही उसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के लिए ETAB और स्टैट प्रो से स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग सिखाई जा रही है। फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल जिसको हम BBS जानते हैं और क्वांटिटी सर्वे के साथ साथ रेट एनालिसिस भी सिखाया जा रहा है जिससे कि आप हर एक प्रोजेक्ट का एनालिसिस कर सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट का बिलिंग कैसे करते हैं के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग भी सिखाया जा रहा है जिससे आप एक्सपर्ट लेवल में बिलिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर बन सकते हैं। और इस फेस्टिवल सीजन में दिवाली ये दशहरा ऑफर में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, प्राइमेवरा और पूरा का पूरा हाईवे कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वास्तु का भी पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है।
तुरंत कॉल करें 9111001234 में, जिसमें 74% का डिस्काउंट है। यूज करके आप 74% का डिस्काउंट 14,847 रुपए में ये सारे कोर्स एक्सेस कर सकते हैं अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए। करियर के उन ऊंचाइयों तक यदि आप पहुंचना चाहते हैं जिसके आप रियल में हकदार हैं, तो तुरंत कॉल करो, कहीं ये लास्ट चांस भी आपसे छूट ना जाए। अब हम बात करते हैं सापुरजी पालमजी एंड कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी पिछले 150 से अधिक वर्षों से कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को पूरी सेफ्टी और क्वालिटी के साथ पूरा करते हुए उभर के सामने आई है, जिसमें सबसे बड़ा रोल 3000 से ज्यादा क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर्स का है जो यहां जॉब करते हैं। यह कंपनी भी सिविल इंजीनियर्स को हर एक जॉब पोस्ट के लिए अपॉइंट करती है, जो करीब 60 से ज्यादा देशों में अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यह इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो अपने सारे प्रोजेक्ट में ISO 9001 सर्टिफिकेशन के साथ काम करती है, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है उसके मद्देनजर ही ये पूरी अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराती है। इन्होंने मुंबई के सीने में 2 60-story बिल्डिंग रेसिडेंशियल टावर बनाने के लिए बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी अवार्ड मिल चुका है। सापुरजी पालमजी की 13 ग्रुप ऑफ कंपनी मिलकर 6 मेजर बिजनेस एरिया में काम करती हैं, जिसमें करीब 60,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इनके कॉरपोरेट ऑफिस मुंबई के कोलाबो में स्थित है, जिन्होंने अभी तक बहुत से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे कि फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट, साइंटिफिक एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, एयरपोर्ट, होटल एंड हॉस्पिटल्स, गेंट स्काई स्कैपर्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कैसे छूट सकता है, एंड टाउनशिप्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रोड एंड एक्सप्रेसवे, पावर प्लांट और बायोटेक फैसिलिटीज, जैसे बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं। अब सापुरजी पालन जी के टॉप 4 अंडरगोइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो कि एक बड़े अवसर के साथ आती है, इसलिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाएं और इंटरव्यू को पास करने के लिए अपना पूरा सर्वश्रेष्ठ, पूरा 100% दे। फर्स्ट प्रोजेक्ट है सापुरजी पालन जी का वाहना प्रोजेक्ट, जो कि पुणे में करीब 1,000 acre का प्रोजेक्ट है, जिसमें सिर्फ 6 acre का ही काम शुरू हुआ है। सोचो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। सेकेंड है जॉय विले हेड ऑफिसर, यह भी पुणे में ही है, जिसमें रेसिडेंशियल टावर डेवलप हो रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज जय विले, लेकिन यह हेड ऑफिसर पुणे में नहीं है, यह है गुड़गांव के सेक्टर 102 में। एंड द फोर्थ वन इज जय विले, प्रोजेक्ट का नाम सेम है लेकिन यह वेस्टर्न हाइट, जो कि कोलकाता में है। सापुरजी पालमजी में अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जो डायरेक्ट सापुरजी के करियर वेबसाइट का है। यहां आप अपना की स्किल, डेजिग्नेशन, डिजायर्ड लोकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरी और रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यह बात जरूर याद रखिएगा कि गलती से रिज्यूमे यदि शॉर्टलिस्ट हो गया तो क्या आप इंटरव्यू के सारे सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हैं? या कह सकता हूं ये कि क्या आप इंटरव्यू में जाके उस जॉब पोस्ट को ग्रैब करने के लिए रेडी हैं? और नहीं तो अभी कॉल करें 9111001234 में और पूछिए कि कैसे आप ट्रेनिंग लेके सारे इंटरव्यू में सेलेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको हम जानते हैं SCC। SCC ने इंडिया की प्रगति में योगदान दिया है, जिसके कारण ये इंडिया के टॉप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में गिने जाने के हकदार हैं। SCC वर्षों से इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के इनोवेशन की विरासत बनाए हुए रखा हुआ है और इन्होंने नए माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए लगातार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं, जो कि इस इंडस्ट्री में सिविल इंजीनियर्स के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। SCC की शुरुआत 1926 में हुआ था और तब से लेकर आज तक इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ब्रिज, एलिवेटेड कॉरिडोर, रेलवे और भी बहुत से काम किए हैं। हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट के क्षेत्र में डैम, बैराज, टनल, पावर हाउसेस, साफ्ट और सभी प्रकार के अंडरग्राउंड वाटर के लिए काम किए हैं। और फिर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को भी नहीं छोड़ा, इसमें भी इन्होंने रिएक्टर्स, स्पेंट फ्यूल बिल्डिंग्स, सेफ्टी पंप हाउसेस और कंट्रोल बिल्डिंग्स के काम किए हैं। फिर वाटर सॉल्यूशन के एरिया में इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई सिस्टम, बल्क वाटर ट्रांसमिशन इन इरिगेशन, वाटर ट्रीटमेंट्स के साथ साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी बनाए और हर कंपनी की तरह बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन, मेटल एंड प्रोसेस प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स और
स्टेशन बिल्डिंग्स भी अपने काम के लिस्ट में इन्होंने अब ऐड किया हुआ है। एचसीसी का वर्किंग कल्चर आपको दुनिया की बहुत ही पेचीदा और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स में अपने प्रोफेशनल स्किल को निखारने का मौका देती है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में अप्लाई करने के लिए कुछ सिंपल डिटेल्स आपको भरने होंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस करना न भूलें, कि आपके लाइक से हमें एनर्जी बहुत मिलती है। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, जो कि है बीएल कश्यप एंड साउंड्स लिमिटेड, जिसे बीएल के नाम से जानते हैं। बीएल कश्यप एंड साउंड्स लिमिटेड इंडिया के लीडिंग एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, जो कि वर्ल्ड क्लास रेसिडेंशियल टाउनशिप, आईटी पार्क, इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल भी बनाती है। ये कंपनी 2006 में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई, जिसे हम स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं। बीएल एंड कश्यप लिमिटेड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की लगभग हर एक सेक्टर में वर्क करती है, जैसे आईटी कैंपस, कमर्शियल स्पेस, मॉल्स, होटल्स एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, फैक्ट्रीज, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन के भी क्षेत्र में काम करती है। ये स्मार्ट प्रोजेक्ट सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा अवसर खोलते हैं, इसलिए यदि आप सही स्किल के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस कंपनी में के मैनेजर पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके कुछ टॉप प्रोजेक्ट्स रनिंग है, जैसे कि फर्स्ट वन एम्स पटना, बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा, एम्स रायपुर, डीएमआरसी वाई डक दिल्ली, जयपुर मेट्रो, दिल्ली टर्मिनल जिसको हम D1 एयरपोर्ट के नाम से जान रहे हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप कंपनी के सभी प्रोफाइल के लिए सबसे परफेक्ट जॉब खोज सकते हैं। और कंपनी हमेशा एनर्जेटिक और टैलेंटेड सिविल इंजीनियर्स को से मिलने के लिए उत्सुक है, जो अपनी टीम को संभाल सकते हैं। देखो, हर एक कंपनी चाहती है उसके पास ऐसे टीम मेंबर हो जो कि डेफिनेटली अपना काम तो करे ही, साथ ही साथ कंपनी का भी वर्कलोड और आसान करें। और अब लास्ट फिफ्थ वन की बात करते हैं, जो कि है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, जो इंडिया के टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंतर्गत आती है। GMR ने देश और विदेश के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक मेजर प्लेयर है, जिसकी स्थापना 1978 में गांधी मल्लिकार्जुन राव ने की थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जहां से सिर्फ इंडिया ही नहीं, नेपाल, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और ग्रीस के भी प्रोजेक्ट्स हैंडल किए जाते हैं, जहां पे इन्होंने एयरपोर्ट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं। मैंने GMR ग्रुप में अप्लाई करने के लिए नीचे करियर लिंक दिया हुआ है, अपना स्किल अपग्रेड करके अप्लाई जरूर करें। और अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में आगे कैसे बढ़ें और कैसे उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां तक आप जाना चाहते हैं, तो कॉल करें 9111001234 में और ज्वाइन करें कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस की ट्रेनिंग, जो कि अपनी ऑफर की अंतिम मुकाम पर है। कहीं चूक ना जाए गुरुजी की राय, और 74% का डिस्काउंट आपके हाथ से निकल ना जाए। अगर करना है खास, आपसे ही बात कर रहा हूं, आपसे ही करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।